दोस्तों ऐसा है, पिछले तकरीबन एक महीने में जो जो इसके साथ हुआ और जो जो मेरे साथ हुआ इस सून को लेकर हुआ तो हमारे साथ ही है, इसके साथ तो लेकिन कुछ इसके हुआ। साथ भी ये हुआ ना कि क्या क्या नई नई चीजें इसमें होती रही जो हमारे सामने आती रही और हम इसको चेंज कराने के लिए क्या क्या कोशिशें और मेहनत करते रहे, वो सारी चीजें दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर के चलना पड़ेगा मुझे। और फिर करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। और यहाँ पर ये मेरा ट्राईपॉड ना खराब हो गया था तो ये सही कर रहे हैं। क्या क्या कर रहा है आपने इसमें, कैसे सही कर रहे हो बता तो दो कुछ मुझे। ये तुम्हें पता है ना इसकी वाली टांग निकल गई थी। हाँ ये वाली टूट गई थी, ऊपर से इसका जो आगे का ये है ये भी खराब हो गया था तो इसमें मैं अटका नहीं पा रही थी कैमरे को, तो मैंने ड्रिल मशीन से यहाँ पे एक सुराख करा, ओके एक पेच यहाँ लगाया इसमें, और पहले वाला भी एक पेच जो यहाँ से निकल गया था जिसमें ये यहाँ से टूट गया था थोड़ा हाँ, सा, हाँ, तो हाँ। मैंने ये वॉशर वाला एक पेच लेकर के यहाँ पे लगा दिया। ये अच्छा दोनों साइड पेच हो गया, मजबूत हो गया, ये तो अब ये टूटेगा नहीं। अब ये टूटेगा नहीं। उसके अलावा ये निकल गया था ना तुम्हारा, ये वाली जो ये लोहे की रॉड थी ये हाँ इस प्लास्टिक के पीस से अलग हो गई थी जो यहाँ से रख करके कसा जाता था उसमें, जो जिसमें ये मोबाइल लटकाते हैं मोबाइल स्टैंड के अंदर, हाँ तो हाँ वो उसको मैंने पहले एरलडाइट से चिपकाया यहाँ पे, ओके और अब ये जो है ना सब ये ऐसा खोखले थे ये चारों तरफ से, इसके अंदर एम सील भर के सॉलिड कर रहा हूँ ताकि चारों तरफ से सपोर्ट मिल जाए इसे और ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, ये अब कभी टूटेगा नहीं। चलो अच्छा है नहीं टूटे तो, और ये बिल्कुल अच्छा हो जाए बढ़िया वाला मेरा ट्राईपॉड। वैसे ये जो ट्राईपॉड है ये काफ़ी, इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं ना तो ये 5 फुट तक की हाइट का है, ये है ना 5 फुट तो होगा ये। हाँ 4.5 फुट से ऊपर हाँ ही है। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा है, कम से कम 1.5 साल तो मुझे हो गया होगा इसे यूज़ करते हुए, अब अब जाके ये इसके थोड़ा सा ख़राब हुआ है। इसके जो बाकी पीसीज है ना हाँ उनमें भी सब खोल खोल करके एक साथ सब मैं एम सील भर देता हूँ ताकि आगे तक की छुट्टी हो जाए इसकी। ओके थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट ये नहीं बोलोगे वेलकम वेलकम। दोबारा खराब हो तो दोबारा आऊंगी आपके पास सही कराने और यहाँ पर आज ट्राईपॉड तो मेरा सही हो गया और अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ दिन पहले हमारे साथ क्या हो रहा था। जब हमने नया मोबाइल परचेज़ करा था तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी उस मोबाइल में और हमें कंज्यूमर कोर्ट तक जाना पड़ा था, तो चलिए वो वीडियो में ही देखिए। ये देखना सिंगल प्रेस पे, तो सिंगल प्रेस पे ये ब्लिंकर होना भी नहीं चाहिए। डिस्प्ले ब्लैंक होगी सारी। हाँ डिस्प्ले ब्लैंक है। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए ऑन होने में, बैटरी अगर पूरी डेड हो जाएगी ना भाई, बैटरी डेड वाला मैं वो मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन बैटरी डेड हुआ वो आने का मतलब क्या है? अगर मेरे सामने ऑन हो गया तो मैं बोल दूंगा कि हाँ मेरे सामने ऑन हो गया 20 मिनट चार्जिंग लगाने पर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। अगर नहीं हुआ तो मैं बोल दूंगा कि हमने 20 मिनट चार्जिंग लगाया। ये बोल दोगे आप कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है 20 मिनट चार्जिंग के बाद भी? हाँ 20 मिनट चार्ज करोगे? ऑन हो गया तो मैं अपना EMI नंबर मैच करूंगा। तो भैया ऐसा तो होता नहीं है कि 20-20 मिनट चार्ज करना पड़े। चार्जिंग ले आओ जी, वीडियो बनाओ। देखिए करंट शो कर रहा है, करंट शो कर रहा है। हाँ वीडियो बना लो, लो इसको लो जी। ये चार्जिंग ले नहीं रहा है, चार्जिंग ले रहा होता ना तो यहाँ पे फिलिंग होनी शुरू हो जाती है। अभी ये चार्जिंग भी लेने में अभी इसने चार्जिंग पकड़नी स्टार्ट नहीं करी है। चार्जिंग के पकड़ने का स्टार्ट का मतलब है कि आप 20 मिनट रुक जाओ, उसके बाद देखना अगर 20 मिनट में भी ऐसी बिलिंग करते रहेगा तो मैं आगे फोन करूंगा। 20 मिनट से कर रहा हूँ भाई, 20 मिनट में तो आप चार्ज करके ला करके इसको किसी तरह जबरदस्ती ऑन कर ही दोगे, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मुझे वो थोड़ी मिलेगी। फिर इस बात की क्या श्योरिटी है कि मुझे वही परफॉर्मेंस? मैं आपको मना दूंगा कि आप तो सुनिए, आप इस इंसर्ट से नहीं। तो जी हुआ ये था कि कुछ दिन पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी, हमने एक मोबाइल की अनबॉक्सिंग करी थी जो हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, Redmi K20 Pro। तो मोबाइल तब हमने सिर्फ आपको अनबॉक्स करके ही दिखाया था, लेकिन जब हमने उसके बाद उसको ऑन करने की कोशिश करी तो वो ऑन नहीं हुआ, वो बिल्कुल हमें डेड कंडीशन में मिला था कि हमने रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी, जिसके बाद वहाँ से एक टेक्नीशियन आया और उसने उसको काफ़ी चार्ज वगैरह करके खोल दिया, ऑन कर दिया हैंडसेट को कम से कम 20 मिनट बाद। हाँ 20 मिनट तक उसको चार्ज करा, उसके बाद वो हैंडसेट ऑन हो गया और फिर हमने उसको यूज़ करना शुरू करा। तो एक हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद मैंने उसमें काफ़ी सारे इशू फील किए, हैंगिंग इशू, लैग इशू, और ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इशू था, कई बार कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती थी, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आ रही थी। और डिस्प्ले इशू भी हो रहा था, डिस्प्ले प्रॉपर नहीं आ रहा था, प्लस कभी कभी फिंगरप्रिंट्स का भी इशू आ रहा था कि वो फिंगरप्रिंट को नहीं अनलॉक नहीं कर पा रहा था, फिंगरप्रिंट अनलॉक इशू भी था और स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू भी आ रहा था। इसके बाद इसकी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट मैंने दोबारा डाली और उसके अगले दिन काफ़ी बार फ्लिपकार्ट से कॉल्स आई एग्जीक्यूटिव की, लेकिन पूरी बात होने से पहले हमेशा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, बात पूरी नहीं हो पाई। उसके नेक्स्ट डे मैंने खुद कस्टमर केयर कॉल करके उनसे बातचीत करी, उन्होंने मुझको रेजोल्यूशन करने के लिए काफ़ी ट्रबल शूटिंग के पॉइंट्स वगैरह
बताया जिसको फॉलो करने के लिए कहा उन्होंने, और कहा कि आप 24 घंटे इसको इस्तेमाल करके देख लीजिए, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो फिर आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमें। मतलब मेन आपके वो जो मैं समरी है वो ये बता देती हूँ कि जब से हमने ये फ़ोन लिया था, सबसे पहले तो ये डेड कंडीशन में मिला था, इसको 20 मिनट चार्ज करने के बाद टेक्नीशियन ने इसको ऑन करके हमें दिखाया, उसके बाद जब हमने इसको थोड़ा सा घर में यूज़ करके देखा तो उसमें ये सब आपने वीडियो में देख ही लिया कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। हमने कई बार कस्टमर केयर कॉल करा तो बहुत सारे इश्यूज़ आए, कई बार कस्टमर केयर हमने कॉल करा कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। एक बार दोबारा टेक्नीशियन आया, उसने यहाँ पे तो हमें बोल के गया कि हाँ इस फ़ोन में तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसने वहाँ पर जाकर जो रिटर्न में उनको दिया वो ये दिया कि नहीं फ़ोन उनका बिल्कुल सही चल रहा है। पता नहीं उसने दिया था ओके या फिर सेलर ने गड़बड़ करके ये कह दिया कि नहीं ओके की रिपोर्ट आई है, ये तो वही जानते हैं। हमसे तो वो जो टेक्नीशियन था वो ये कहकर गया था कि हाँ इसमें इश्यूज़ हैं और हम आपकी जो है वो कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड कर देते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। तो मतलब कि फ्लिपकार्ट और सेलर जो दोनों आपस में, पता नहीं उनकी सेटिंग थी क्या था, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन दोनों ने हमारे साथ कॉपरेट नहीं करा, हार कर हमें कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता देखना पड़ा। तो ऑनलाइन हमने कंज्यूमर कोर्ट में भी अपनी कंप्लेंट डाल दी। तो हुआ ये कि जैसे ही हमने कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट डाली और कंप्लेंट डालते ही नेक्स्ट डे हमारे पास फिर से मेल आई और हमारा ये फ़ोन को एक्सचेंज करने की बात हुई। तो अब आगे का प्रेजेंट डे आप देखिए। तो ये आ चुका है हमारे पास दोबारा से बॉक्स, इसमें है रेडमी K20 Pro जो कि पहले भी मंगाया था और उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी और उसके लिए काफ़ी सारी कंप्लेंट्स करी लेकिन नहीं हुआ। आखिरकार कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जब जा करके उन्होंने मेरा ये पीस रिप्लेस किया है। 11 बजे तकरीबन मुझे डिलीवर हो गया था और मेरा जो रिप्लेसमेंट वाला पीस था वो पिकअप भी हो गया था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था आज सारा दिन तो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला इनसे अनबॉक्स करने का। और इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, मैं अब इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ जाकर के, इतना बिजी था मैं आज सर। तो यहाँ से काटते हैं इसको हम, ये निकला, अंदर बिल है, नया बिल नई एक्सचेंज पॉलिसी के साथ। सबसे पहले ये सील चेक करो इसकी कि ये सही है कि नहीं है। देखना आप अनबॉक्सिंग कर रहे हो और आपने अपने नेल्स भी नहीं साफ करे, इतने गंदे लग रहे हैं। अरे ये नेल्स में मेरे वो मैल नहीं घुसी हुई, ये जो सुबह तुम्हारा ट्राइपॉड सही करा है ना उसकी एम सील घुस गई है, वो चिपक गई है, निकल नहीं रही, काफी कोशिश करी, कई दिन तो एक दो दिन में निकलेगी ये। अच्छा अच्छा चलो ओपन करो, बॉक्स तो बिल्कुल पैक ही है। बॉक्स तो पैक है लेकिन ये भी मुझे पुराना लग रहा है, पहले वाला जो डिवाइस आया था उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी कौन से टाइम की, अक्टूबर 2019, और ये भी अक्टूबर 2019 का है, पुराना ओल्ड स्टॉक का माल है ये भी उसी की तरीके से। और वो स्टिकर्स पे काफी सारे स्टिकर्स दोबारा एक के बाद दो तीन स्टिकर चिपके हुए, देखो ये एक चिपका हुआ, फिर ये दोबारा, फिर ये तिबारा, इसमें भी मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट सा लग रहा है, खोलूं नहीं खोलूं? खोलो खोलो, खोलना तो पड़ेगा ही। चलो खैर करते हैं इसको अनबॉक्स, ये निकलता है यहाँ से, ये निकलता है यहाँ से, और ये आता है बाहर। हो गया ऑन? थैंक गॉड ये तो ऑन हो गया। पिछला हैंडसेट जो था वो ऑन ही नहीं हुआ था। हाँ। तो अब इसका रैपर उतार दूं या अभी रहने दूं? रुको पहले फुल ऑन होने दो इसको, एक बार थोड़ा सा देखो। 63% चार्ज भी है। वाओ दैट्स नाइस। M1 है इसमें अभी। यार कई सारे एग्जीक्यूटिव से हमने बात करी पिछले एक महीने में, तो यार मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों को भी थोड़ा सा ना डिप्रेशन टाइप हो गया था कि मतलब एक फोन नहीं ले लिया, पता नहीं क्या ले लिया हम लोगों ने, उसकी वजह से मतलब बहुत दिमाग परेशान सा था। तो फाइनली अब ये एक्सचेंज हो चुका है और फोन भी स्टार्ट हो चुका है, पहले की तरह ये हमें डेड कंडीशन में नहीं मिला है। तो अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं और फिर उसके बाद मैं कुछ दिन बाद अब आपको बताऊंगी कि ये फोन चल कैसा रहा है। चलिए फ्लिपकार्ट थैंक्स, आपने हमारी, थैंक्स कहना चाहिए फ्लिपकार्ट ने, तो पहले जब तक हमने कंज्यूमर कोर्ट में दरवाजा नहीं खटखटाया सुनने को राजी नहीं था हमारी। ये कोई बात नहीं, फ्लिपकार्ट को थैंक्स करें नहीं करें तो बात की बात है, पहले इस फोन को हम थोड़े से एक्सपीरियंस करते हैं और फिर मैं कुछ दिन बाद आपको बताऊंगी कि ये फोन कैसा चल रहा है।